देश भर में आज शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज जहां देश के शिवालयों में ओम नमः शिवाय के मंत्र की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं गाजियाबाद स्थित भगवान दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में रात के 12 बजे से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो गया। प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ मंदिर की भक्तों में काफी मान्यता है और यहाँ देर रात से ही श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। सभी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को अपने अपने ढंग से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यता है कि विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि के दिन जो भी आराधना करता है, तो भगवान भोलेनाथ निश्चित तौर पर उस भक्तों से प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ भक्त फल, फूल, बेलपत्र, मिष्ठान, अक्षत, गन्ने का रस, दूध, दही, नारियल इत्यादि भोलेनाथ को भेंट कर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। कई किलोमीटर लंबी कतारें मंदिर परिसर के बाहर जीती रोड तक लगी हुई है। वहीं आज के खास दिन के लिए मंदिर को भी सजाया गया है। ये 2 साल की कोरोना हुआ तो भक्तों का आना जाना कम था और भगवान की कृपा से इस बार कोरोना का जो प्रोटोकॉल था वो हटने के बाद जो कि भक्तों की लगभग सुबह शाम को 7-8 बजे से ही लेके अभी तक भक्तों की लगातार जो 2 साल की भरपाई इस साल हो ही रहा है, तो इसे लगभग लाखों लोग जो है कि दर्शन करके अभी तक जा चुके हैं। और काफ़ी संख्या में लोग आए, 5 लाख के आसपास में इधर लोग आए हैं। जी जी है। और 3 साल का कोरोना का ये था तो उसी वजह से जो है, और करीब 2 साल तो मिला हुआ ही नहीं है। अब 3रे साल में जो है लोगों को कुछ भय खत्म हुआ है, तो विशेष रूप से काफ़ी संख्या में